सवाल नंबर एक, भीगे हुए चने खाने के क्या फ़ायदे होते हैं? जैसे भीगे हुए चने में फाइबर अत्यधिक मात्रा में होता है जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत कर भोजन को पूरी तरह से पचाने में भी सहायक साबित होता है। अगर आपका भी वजन आवश्यकता से अधिक हो गया है तो कच्चा चने को भिगोकर या अंकुरित कर खाएं। चने में ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो भूख को कम कर वजन घटाने में मदद करता है। चने का सेवन कैंसर से भी बचाव करता है क्योंकि चने में ब्यूटेरिएट नाम का एक फैटी एसिड होता है जो कैंसर की कारक कोशिकाओं को ही ख़त्म कर देता है। भीगा हुआ चना आपके शरीर में खून की कमी से होने वाली बीमारी एनीमिया से भी बचाता है क्योंकि चने में आयरन भरपूर मात्रा में होता है। भीगे हुए चने खाने से हमारी आँखें भी ठीक रहती हैं। चने में मौजूद बी कैरोटीन आँखों की कोशिकाओं को स्वस्थ रखती है। भीगे हुए या अंकुरित चने का सेवन गर्भवती स्त्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। चने में प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा होती है जिसका लाभ गर्भवती स्त्री के साथ पेट में पल रहे बच्चे को भी मिलता है। सवाल नंबर दो, किन लोगों को चने का सेवन नहीं करना चाहिए? जैसे चना खाने के बाद कई लोग पेट दर्द, गैस और बदहजमी की शिकायत करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चना खाने के बाद गैस समस्या काफ़ी आम है। चने आंतों में सूजन या आंत में फंसी हुई गैस का कारण बनते हैं जिससे असुविधा होती है। इसके अलावा चने में प्यूरिन नाम का एक रसायन होता है और जब यह प्यूरिन टूट जाता है तो अतिरिक्त यूरिन एसिड उत्पन्न होता है जिसके परिणामस्वरूप गाउट होता है। गाउट एक प्रकार का गठिया है जो जोड़ों में यूरिक एसिड क्रिस्टल के जमा होने के कारण होता है। इसे जोड़ों में दर्द की समस्या होती है, इसलिए जिन लोगों को जोड़ों के दर्द की समस्या है या फिर अर्थराइटिस की समस्या है उन्हें चने खाने से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त किडनी की पथरी से बहुत से लोग परेशान रहते हैं। ऐसे में चना खाना उन लोगों की परेशानी को और बढ़ा सकता है। कुछ लोगों को चना सहित इस तरह की हाई प्रोटीन वाली फलियों से एलर्जी होती है। अगर आपको चना खाते ही खुजली, उल्टी या फिर एलर्जी राइनाइटिस की समस्या होती है तो आपको भी इसे खाने से बचना चाहिए। सवाल नंबर तीन, क्या चने खाने के बाद पानी पीना चाहिए या फिर नहीं? दस भुने हुए चने खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से आपके पेट में दर्द की समस्या हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चने खाने के बाद पानी पीने से चने ठीक से पच नहीं पाते हैं और पाचन प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाती है जिसके कारण पेट में दर्द की समस्या हो जाती है। सवाल नंबर चार, सुबह खाली पेट चने खाने से शरीर पर क्या असर होता है? दस पाचन तंत्र को बेहतर बनाने के लिए भीगे हुए काले चने का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है क्योंकि काले चने में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है। साथ ही यह पाचन संबंधी समस्याओं को दूर भी रखने में मदद करता है। इसके अलावा वजन कम करने के लिए काले चने का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है क्योंकि काले चने में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है जिसकी वजह से पेट में लंबे समय तक भरा हुआ रहता है और भूख भी कम लगती है जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त खून की कमी को दूर करने के लिए काले चने का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है क्योंकि काले चने में आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो खून की कमी को दूर करने में मदद करता है। एनर्जी बढ़ाने के लिए काले चने का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है क्योंकि काले चने में मैग्नीशियम, मैग्नीज, थियामीन या फास्फोरस आदि पोषक तत्व के गुण पाए जाते हैं जो शरीर में एनर्जी बढ़ाने में मदद करते हैं। सवाल नंबर पाँच, कौन सा चना सबसे अच्छा होता है, काला या फिर सफ़ेद? दरअसल हड्डियों के स्वास्थ्य और मजबूती को बनाए रखने के लिए काबुली चना काले चने से बेहतर है। काबुली चना आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। काबुली चना आयरन और कैल्शियम से भरपूर होता है जो आपकी हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के लिए बेहद ज़रूरी है। आपके शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण आपकी हड्डियों में गठिया की समस्या हो सकती है। इसके अलावा काबुली चना दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। काबुली चना में विटामिन, खनिज, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा और सेलेनियम होते हैं जो हृदय के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। काबुली चने की उपस्थिति हृदय रोगों से बचाती है और आपके शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल को दूर करती है। सवाल नंबर छह, चने और गुड़ एक साथ खाने से क्या होता है? दरअसल सुबह खाली पेट भीगे हुए चने का सेवन सेहत के लिए अधिक फायदेमंद होता है। सबसे पहले तो मुट्ठी भर चने को एक गिलास पानी में डालकर रात भर भिगो कर रख दें। सुबह उठकर चने को पानी से निकाल लें और उसके साथ गुड़ मिलाकर खाएं। ध्यान रहे कि भीगा हुआ चना और गुड़ दोनों ही चीज़ों को अच्छी तरह से चबाकर खाना है जिससे पाचन में दिक्कत ना हो। सवाल नंबर सात, चने खाने के बाद क्या खाना जहर बन जाता है? दरअसल काले चने में प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है, इसकी वजह से लंबे वक्त तक आपका पेट भरा लगता है। लेकिन फिर भी यह बात आपको जानना जरूरी है कि काले चने को खाने के बाद आप अचार का सेवन ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि अचार को गलाने के लिए उसमें सिरका डाला जाता है। इन दोनों का सेवन करने से पेट से संबंधित दिक्कत होने के अलावा आपको दिल से संबंधित भी परेशानी हो सकती है, सीने में जलन और दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने सुबह खाली पेट काला चना भीगा हुआ खाया है तो उस दिन करेले का सेवन न करें। ऐसा इसलिए क्योंकि भीगे हुए चने में जो ऑक्साइड होता है वही करेले में भी होता है
बस दोनों में थोड़ा अंतर होता है। करेले में जो ऑक्साइड होता है उसका स्तर बहुत ज़्यादा होता है और भीगे हुए चने में कम। यह दोनों पेट में मिलकर सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कई लोग भीगे हुए चने खाने के बाद दूध पीते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो यह आदत बदल लें। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको सफ़ेद दाग की समस्या हो सकती है। सवाल नंबर 8, उबले हुए चने खाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? दरअसल आप उबले हुए चने भी खा सकते हैं। उबले हुए चने खाने में स्वादिष्ट होते हैं, साथ ही पोषक तत्वों से भी भरपूर होते हैं। अगर आप उबले हुए चने खाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें घी में रोस्ट कर लें। रोस्टेड चने में नमक डालकर खाया जा सकता है। आप इसमें ऊपर से नींबू भी निचोड़ सकते हैं। इससे उबले हुए चने खाने से शरीर में इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपको स्वाद भी पसंद आएगा। सवाल नंबर 9, अंकुरित चने खाने से शरीर पर क्या असर होता है? दरअसल अंकुरित चने में अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। अंकुरित चने खाने से आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिल सकता है। चने को अंकुरित करके खाने से प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाती है। इससे आपकी मसल स्ट्रांग बनती है। अंकुरित चने को पचाने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आपको अंकुरित चने खाने से बचना चाहिए। सवाल नंबर 10, रोज़ाना चने खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? दरअसल रोज़ाना अधिक चने खाने से कुछ बीमारियां हो सकती हैं। जैसे अधिक चने खाने से आपके पेट में गैस बनती है। ज़्यादा मात्रा में चने खाने से पेट में दर्द की संभावना बढ़ जाती है। चने खाने से आपके पाचन तंत्र में फाइबर की अचानक वृद्धि के कारण पेट खराब हो सकता है। चने में प्यूरिन नामक यौगिक होता है जो शरीर के यूरिक एसिड द्वारा टूट सकता है, जिससे कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। भीगे हुए चने के आपके पेट में सूजन भी आ सकती है। अधिक मात्रा में चने खाने से पेट में ऐंठन बन सकती है। चने के खाने से कब्ज की समस्या भी हो सकती है और चने के खाने से आप बदहजमी का शिकार भी हो सकते हैं।